ये भाषा में कहो तो घने पेट बड़े, पेट बड़े नहीं, पेट बड़े के भाई देखो अजगो अजायो खर्च है, और बीजो देखो कितनी विधवाएं मतलब अभाव में जीती होगी, कितने बच्चे उस अभाव के कारण शिक्षण शिक्षा नहीं ले पा रहे होंगे या आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। तो पैसे की जो जो धनाढ्य वर्ग है जैसे जैन वगैरह, तो उनकी बात तो अलग है, लेकिन अपन तो सब जरूरतमंद लोग हैं। दिखावा बंद होना, दिखावा बंद होना चाहिए। और दूसरा देखो ये तो घाटे का ही सौदा है ना भाई, किसका फायदा होता है दारू पीने से? आपका दिमाग खराब, साथ में बैठने वाले आप पहले तो दोस्ती करके बैठते, और अच्छी पार्टी वो होती है जिसमें फिर जूतम भाग होकर के, और ठीक है ना। इसलिए हर तरह से हमारे जो जहाँ जिनके सोसाइटी में ये रिवाज बन गया कि भाई दारू के बिना वो शादी होगी नहीं, तो हमने कहा भाई ये अगर बंद करते हो तो इसमें जितनी बचत होती है उसका कुछ अंश या पूरा, तो वैसे तो वो कोई फिक्स तो होता नहीं, तो उसने कहा कि मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो पैसा संस्था में जाएगा उसका सदुपयोग होगा वो तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो मैसेज जाए सोसाइटी के अंदर कि भाई ये जो फालतू खर्चा है ये फालतू खर्चा बंद करो, और अगर आपके पास में खर्चा करने की गुंजाइश है तो ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं और भी जरूरतमंद लोग हैं, समाज के लोग हैं, वहां दो, तो वो पैसा है वो उनके काम आएगा, वो पैसा एक पुण्य के काम में लगेगा। और अब दुनिया कहाँ पहुंची है, अब आप ओल्ड टेबलेट लगाओ वो दारू में बहुत फिजूल खर्ची होती है। तो श्याम सिंह जी रीन हमारी बात एक ही है कि थे पूछो नहीं, आपने पूछा नहीं कि भाई आपको कैसा लगता है जब ये ऐसा प्रोग्राम देखते हो, तो अगर देसी भाषा में कहो तो घने पेट बड़े, पेट बड़े नहीं, पेट बड़े के भाई देखो अजायो खर्च है, और बीजो देखो कितनी विधवाएं मतलब अभाव में जीती होगी, कितने बच्चे उस अभाव के कारण शिक्षण शिक्षा नहीं ले पा रहे होंगे या आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। तो पैसे की जो जो धनाढ्य वर्ग है जैसे जैन वगैरह, तो उनकी बात तो अलग है, लेकिन अपन तो सब जरूरतमंद लोग हैं। दिखावा बंद होना, दिखावा बंद होना चाहिए। और दूसरा देखो ये तो घाटे का ही सौदा है ना भाई, किसका फायदा होता है दारू पीने से? आपका दिमाग खराब, साथ में बैठने वाले आप पहले तो दोस्ती करके बैठते, और अच्छी पार्टी वो होती है जिसमें फिर जूतम भाग होकर के, और ठीक है ना। इसलिए हर तरह से हमारे जो जहाँ जिनके सोसाइटी में ये रिवाज बन गया कि भाई दारू के बिना वो शादी होगी नहीं, उनका तो हाल बहुत बुरा है। हमारी तो बड़ी इच्छा है कि बच्चे लोगों को, पीछे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दिया जाए, उनको समझाया जाए। कहावत होती है कि सर भगत सिंह तो हो लेकिन पड़ोसी के घर से, श्याम जी ने अपने घर से शादी पहल की, ये कितनी बड़ी, ये देखो यो चैरिटी बिगिन टू होम, ये तो आप खुद करोगे तब होगा। हकीकत में क्या है कि खुद करते हैं तो भी दूसरे वाले कहते हैं नहीं नहीं तो यही करे अपने, फिर भी इन्होंने ये अच्छा अच्छी पहल की है कि भाई अब हम है वो अपने घर से बंद करते हैं ये दारू ये पार्टी पार्टी, ठीक है ना। तो पीछे वाला अगर कोई उनका फॉलो करना चाहेगा तो उसको एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। वो ये नहीं कहेगा कि यार कुटड़ो है ये वो दारू पाए होने का ऊपर, तो ये आपने धर्म शुरू किया ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब समाज से बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करेगा। और देखो ये एकदम होगा नहीं हो, लेकिन कम से कम शुरुआत करे, कहीं से तो शुरुआत, कोई तो करे शुरुआत, ठीक है ना। तो ये इनको मैं तो दोहरा धन्यवाद देता हूँ कि पैसे दिए वो तो संस्था के काम आएंगे, इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो तो है ही, लेकिन इन्होंने अपने घर से कर करके और ये इस रिवाज को मोड़ने की जो पहल की है, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद।